नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीएस नगरी पर। दोस्तों आज हम सीखेंगे पहाड़ा टेबल, ठीक है, कहां से एक से लेकर के 100 तक की टेबल सीखेंगे। आज हम सीखेंगे एक से लेकर 100 तक का टेबल, ठीक है, पहाड़ा, वो भी कितनी देर में, एक मिनट से भी कम समय में, ठीक है, एक मिनट से भी कम समय में। आप कहेंगे कैसे पॉसिबल, नहीं है, एक मिनट से कम समय में कैसे पॉसिबल हो सकता है। बस आप लोग वीडियो के साथ में बने रहिए और देखिए कि एक मिनट से कम समय में पॉसिबल है कि नहीं है, आपको लर्न होगा कि नहीं होगा, ठीक है। आप 1 से 100 के बीच में कोई भी संख्या ले लीजिएगा, चाहे आप 75 ले लीजिए, 79 ले लीजिए, 67 ले लीजिए, जो भी संख्या आपको लेनी हो ले लीजिए, ठीक है। और उसका आंसर जो आप एक उसके टेबल जो आप करेंगे एक मिनट के अंदर, एक मिनट से कम समय में आप उस टेबल को आप बता देंगे, ठीक है। लर्न करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, अब लर्न करना छोड़ दीजिए टेबल, ठीक है। इस ट्रिक से देखिए, यहाँ पे आपको ट्रिक बताई जा रही है, इस ट्रिक से देखिए और आप टेबल को 1 से 100 तक याद करिए, ठीक है। देखिए कैसे करेंगे, पहले तो आप 0 से लेकर 10 तक नंबर लिखिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये क्या हो गया आपका 10 हो गया। अब इसको उल्टा लिखिए, उल्टा लिखिए, ठीक है, क्या करेंगे उल्टा लिखेंगे 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 और 0, ठीक। यहां से आप क्या करिए, इसको इरेज कर दीजिए 10 को, ठीक है, 10 को इरेज कर दिया। अब देखिए 0 वहां से है, ये किसकी टेबल हो गई, 9 की। आपने 0 से लेकर के 9 तक क्या किया, उल्टा लिखा, और फिर 0 से लेकर के 9 तक लिखा और फिर 9 से लेकर के 0 तक आपने उल्टा लिख दिया, ठीक है। तो ये आपकी किसकी टेबल बन गई, 9 की, देखा 9 की टेबल बन गई। देखिए 9 वन जा कितना होता है, 9 होता है, फिर 18, 9 टू जा, 9 थ्री जा 27, 9 फोर जा 36, 9 फाइव जा 45, 9 सिक्स जा 54, 9 सेवन जा 63, 9 एट जा 72 और 9 नाइन जा होता है आपका 81 एंड लास्ट जो होता है 9 टेन जा 90। ओके, यहां तक कोई दिक्कत, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि जो भी हम आपको बता रहे हैं एक मिनट में आंसर आएगा, ठीक है, एक मिनट में आप टेबल बताएंगे उसका। देखिए किसका बताएं, 18 का, चलिए 15 का देखते हैं, ठीक है, या चलिए 14 का देखते हैं, छोड़िए 14 का देखते हैं, ठीक है, 14 का देखते हैं। देखिए 14 है, यहां से आप क्या करिए, एक लिखिए, ठीक है, एक हो गया। अब यहाँ पे आप 1 से लेकर के 10 तक लिखिए, 1 से लेकर के 10 तक करिए। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये क्या हो गया आपका 10 हो गया, ठीक। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको इस वाले में करना है 4 की टेबल, 4 की टेबल तो लर्न ही होगी, 1 से लेकर के 10 तक की टेबल तो सबको लर्न ही होती है, ठीक है, 1 से लेकर के 10 तक, मैं कह रहा हूँ 11 तक सबको लर्न होती है, ठीक, 11 तक तो सबको लर्न ही होती है, मैं ये मान के चल रहा हूँ, ठीक। अब देखिए 14 की टेबल कैसे निकालेंगे, ये आपने लिख लिया, अब 4 की टेबल पढ़िए, 4 की टेबल में क्या आता है, 4 1 12 16 20 24 28 फिर 32 36 और 40 हो गया आपका, इतना लिख लिया। अब देखिए आपको करना क्या है, देखिए ये क्या है 14 बन गया, 14 ऐसे ही लिख लीजिए। देखिए ये क्या हुआ, इसको इसको मिलाकर क्या हो गया 28 हो गया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 12 है और यहाँ पे 30, यहाँ पे 12 है और इधर क्या है 3 है, तो आपको क्या करना है, जो आपका लास्ट वाला डिजिट है वो ऐसे ही लिख लेंगे और इस वाले में इसको और इसको, 1 को और 3 को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे दोनों को, तो आपका क्या हो जाएगा, ये 3 और 1
4 हो जाएगा। इसमें भी इसी तरह से करते हैं, सब में इसी तरह से ऐड करते हुए चलते हैं, ठीक है, देखते हैं। देखिए सब में यही चीज करिए। अब देखिए क्या हो रहा है, ये क्या हो गया, क्या बताया था, इसको लिख लीजिए, 6 को लिख लीजिए, और अब क्या करना है, 4 में 1 को प्लस करना है, क्या हो गया, 5 हो गया। ये देखिए यहाँ पे क्या है, 0 है, 0 लिख दीजिए लास्ट में, फिर 5 को क्या करना है, 2 से प्लस करना है, क्या हो गया, 70। देखिए इसको इसको क्या करिए, ये लिख दिया, और 6 को और 2 को क्या करना है, ऐड करना है, हो गया 84। इजी है, देखिए 8 को क्या लिख दिया आपने, लिख दिया, फिर 7 और 2 को क्या कर दिया, प्लस कर दिया। अब यहाँ पे देखिए 32 है, इधर 8 है, सेम चीज, 2 और 8 को क्या करना है, 3 से प्लस कर देना है। यही चीज इसमें देखिए, 3 और 9 को 3 से प्लस करना है, क्या हो गया, 12 हो गया, और यही चीज इसमें करना है, ये हो गया 0, और अब 0 में 4 को प्लस करेंगे तो आएगा 4 और 1 40, हो गया आपका 14 की टेबल। देखा बहुत ही ज्यादा इजी है, 1 मिनट में आपका आंसर आएगा, ठीक है, ये तो समझा रहे थे तो इतना टाइम लगा, नहीं तो अगर आपको करना हो तो 1 मिनट से कम समय लगेगा, इस चीज का पूरा वादा है, ठीक है, 1 मिनट से कम समय लगेगा। देखते हैं दूसरा, आगे देखते हैं, अगला देखिए, अगर हमको निकालना हो 28 का, 28 का निकालना हो, देखिए कैसे निकालेंगे। इधर क्या करिए, 2 का पहाड़ पढ़िए, 2 का कितना होता है, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 और ये होता है 20। यहां देखिए 8 का पहाड़ पढ़िए, 8 का 16, 24, 32, 40, 48, 56 और फिर 64, 72 और ये होता है 80, ठीक है। अब देखिए सेम चीज इसमें भी करनी है, ठीक है, बिल्कुल ही सेम। 28 की टेबल देखिए, 28 का पहाड़ा है, देखिए कितनी आसानी से आपको लर्न होगा, देखिए क्या होगा 28 में, ये 28 ऐसे ही लिख जाएगा। अब क्या करिए, सेम चीज वही जो उसमें बताया था 14 की टेबल में, वही चीज इसमें 28 की टेबल में, 6 को ऐसे ही लिख लीजिए और 4 को 1 से प्लस कर दीजिए, क्या हो गया 5 हो गया, 56 हुआ। देखिए यहाँ पे देखिए 4 को क्या करना है, ऐसे ही लिख देना है, इसको इसको प्लस करा, क्या हो गया 8 हो गया। फिर यहाँ पे देखिए 2 को ऐसे ही लिख दिया, इसको इसको प्लस किया, क्या हो गया 11 हो गया। देखिए 0 ऐसे ही हो गया, 10 में 4 प्लस किया, क्या हो गया 140 हो गया। इधर देखिए 8 हो गया, 12 में 4 को प्लस किया, क्या हो गया 16 हो गया। यहाँ देखिए 6 ऐसे ही लिख दिया, 14 में 5 प्लस किया, क्या हो गया 19 हो गया, ठीक है। ये 4 ऐसे ही लिख दिया और 16 में 6 को ऐड किया, क्या हो गया 22 हो गया। यहाँ देखिए 2, अब 18 में 7 को प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 18 में 7 को प्लस करेंगे तो ये मिलेगा 25 हो गया। और यहाँ देखिए 0 और 20 में ऐड करेंगे 8 को, क्या हो जाएगा 28। देखिए 28 का पहाड़ा हो गया, 28 का पहाड़ा, देखा है इजी, बहुत ही ज्यादा इजी, कोई भी नंबर लीजिए, ठीक है। चलिए हम लेते हैं 63 को, ठीक है 63 देखते हैं, ठीक। देखिए 6 का पहाड़ा पढ़िए, 6 का क्या होता है, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54 और 60, 60, ओके। 3 का देखिए, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 3, 9, ये लीजिए 6 तो गायब ही कर दिया हमने, 6, 9,
12, 15, 18, 21, 24, 27 और ये क्या हो गया 30। ओके देखिए क्या करना है 63 के टेबल में, देखिए ऐसे ही इसको लिख लेंगे 63 हो गया। इसको देखिए क्या करना है, इसको भी ऐसे ही लिख लेंगे ठीक। यहाँ देखिए इसको भी ऐसे ही लिख लेंगे ठीक, क्योंकि यहाँ पे हमें खाली यहाँ देखना है पीछे वाले को ठीक है। यूनिट डिजिट जो हमारी पीछे वाली होगी वो ऐसे ही लिख देंगे, अगर दो है उसमें तो उसमें अगले वाले को क्या कर देंगे ऐड कर देंगे ठीक है। अब यहाँ देखिए यहाँ पे क्या करना है हमें ऐड करना है, यहाँ देखिए खाली हमें क्या लेना है 2 को लेना है और 1 हमारा ज्यादा है तो 1 को हम 24 में ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 25। देखिए यहाँ पे देखिए ये हो गया 5 और ये हो गया 31। यहाँ देखिए 8 को हम ऐसे ही लिख देंगे और 36 में हम 1 प्लस करेंगे तो ये मिल जाएगा हमें 37। यहाँ देखिए ये 1 हो गया और ये क्या हो गया, यहाँ पे इसको हम प्लस करेंगे क्या हो जाएगा 42 में 2 को प्लस किया क्या हो गया 44। यहाँ देखिए 4 को ऐसे ही लिख देंगे 4 लिख दिया, अब 48 में 2 को हम प्लस करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें 50 मिल जाएगा। यहाँ देखिए ये ऐसे ही हमने लिख दिया इसको 7 और यहाँ पे 56 में 2 को हमने प्लस किया तो क्या हो गया 56। अब देखिए ये 0 ऐसे ही लिख देंगे और 60 में 3 को प्लस करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 63। देखिए है हो गया 63 का टेबल, कितना ही ज्यादा आसान है। देखिए 93 का देखिए या 99 का देखिए, चलिए 99 का देखते हैं ठीक है। देखिए 99 का टेबल देखिए, पढ़िए पहाड़ा पढ़िए 99 का 18, 9 2 18 फिर 27 ठीक है। पहाड़ा पढ़िए 9 का, देखिए आप लोग को पहले बताया था ठीक है, पढ़ा पढ़िए 9, 9 2 18, 9 3 27, 9 4 36, 45 54, 63 72 और 90। यहाँ देखिए वही चीज 18 27 36 45 54 63 72 और 90। देखिए क्या करना है 99 को ऐसे ही लिख दिया, अब यहाँ पे क्या करना है 8 को हम क्या करेंगे ऐसे ही लिख लेंगे और 18 में 1 को प्लस कर देंगे क्या हो जाएगा 19। 7 को हम ऐसे ही लिखेंगे और यहाँ पे 7 इसको प्लस कर देंगे 27 में 2 को क्या हो जाएगा 29। यहाँ देखिए 6 को हम ऐसे ही लिख देंगे और 36 में 3 को प्लस करेंगे क्या हो जाएगा 39। यहाँ देखिए 5 को हम ऐसे ही लिख देंगे ठीक है और 45 में हम 4 को प्लस करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें 49। 4 को हमें ऐसे ही लिखना है और 54 में हम 5 को प्लस करेंगे तो क्या मिलेगा 59। यहाँ देखिए 3 को हम ऐसे ही लिखेंगे और 63 में हम 6 को प्लस करेंगे तो क्या मिलेगा हमें 69। यहाँ देखिए 2 को हम ऐसे ही लिख देंगे और 72 में हम 7 को प्लस करेंगे तो क्या मिलेगा हमें 79। यहाँ देखिए 0 को हम ऐसे ही लिख देंगे और 90 में हम 9 को प्लस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 99। तो ये देखिए 99 का पहाड़ा हो गया ठीक है, 99 की टेबल हो गई, बहुत ही ज्यादा आसान है। 1 मिनट से कम समय लगा होगा ठीक है, 1 मिनट से कम समय लगेगा, आप लोग बिल्कुल आराम से करिए, 1 मिनट से कम समय लगेगा। पहाड़ा याद करने की कोई भी जरूरत नहीं, टेबल याद करने की कोई भी जरूरत नहीं है, इस ट्रिक से करिए 1 मिनट से कम समय में ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर करिए और कमेंट करिए, और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको आने वाले वीडियोस के अपडेट्स जो हैं वो हमेशा आपको मिलते रहें। ओके तो फिर अगली बार मिलते हैं आपसे कुछ अच्छे ट्रिक के साथ में, कुछ नए ट्रिक के साथ में और कुछ नया सीखने के लिए ठीक है। तब के लिए धन्यवाद।